वेलकम ऑल ऑफ यू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज से हम अपना सेकंड टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। लेक्चर 10 बेस्ड रहेगा फ्रेडरिक टेलर या FW टेलर पे। शुरू करते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और FW टेलर, ये इनका जन्म 1856 में जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया अमेरिका में हुआ था। इन 1873 एट द एज ऑफ 18 ही जॉइंड द एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स एंड सर्वड एज अप्रेंटिस फॉर 4 ईयर विदाउट वेजेस। बेसिकली ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। 18 ईयर की एज में इन्होंने एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्क्स को ज्वाइन किया और 4 साल तक बिना किसी तनख्वाह के या वेजेस के काम करते रहे। इन 1878 ही वेंट टू वर्क एट द मिडवेल स्टील कंपनी एज ए लेबरर एंड ओवर ईयर्स ही प्रमोटेड एज गैंग बॉस, फॉरमैन, रिसर्च डायरेक्टर एंड फाइनली बिकेम चीफ इंजीनियर इन 1884। एज आई हैव टोल्ड यू ही रिसीव्ड मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ही पब्लिश्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पेपर। He invented a cutting tool, a steel hammer, hydraulic power loading machine, tool feeding mechanism and a boring and turning mill. ये सारे के सारे instrument इनके द्वारा develop किए गए हैं। From 1901 he devoted his time for research for improving the technique of scientific management till his death on March 1915. March 1915 में इनकी death हो जाती है और 1901 से 1915 तक यानी तकरीबन 15 years तक ये अपनी पूरी जो life है वो spend कर देते हैं to develop the scientific management principle or to improve the techniques of scientific management. Taylor is important and interesting not only because of his works but also because of his personality. Unki jo personality uske liye bhi zyada important mane jate hain ye. Major writing of Taylor, jo unke likhi hui 4 main papers hain, books hain. Pehli hai piece rate system, second shop management, third the art of cutting metal aur fourth hai the principle of scientific management. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम आगे डील करेंगे पूरे मतलब कम्प्लीटली इस चैप्टर को हम आगे फर्दर रीड करेंगे। बट अ पीस रेट सिस्टम वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन वेज एडमिनिस्ट्रेशन की पैसे से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है सैलरी से रिलेटेड उसी पे बेस्ड था ये। उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया और यहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स बताए उन्होंने पीस रेट सिस्टम के अंदर। ही ऑब्जर्व वर्क थ्रू टाइम स्टडी। टाइम को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने काम देखा कि कितने टाइम में कितना काम हो रहा है। डिफरेंशियल रेट सिस्टम फॉर कंप्लीटिंग पीस वर्क कि कंप्लीट काम को करने के लिए कौन सा, जैसे कोई अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है, तो कौन सा हिस्सा कौन सी जगह पर तैयार हो रहा है, कहाँ पर उसका कौन सा पीस तैयार हो रहा है, तो मतलब डिफरेंशियल रेट सिस्टम फॉर कंप्लीटिंग पीस वर्क। थर्ड द पेमेंट टू मैन नॉट टू पोजिशन। पोजीशन को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, मैन को सैलरी मिलनी चाहिए। पेमेंट टू द मैन की उसकी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, उसकी क्वालिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए उसको सैलरी मिलनी चाहिए। सेकंड बुक थी शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट में उन्होंने मेंशन किया वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर वो डील करते हैं। ही फोकस्ड बेसिकली ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्कशॉप। ही डेल्ट अबाउट द नीड टू मेंटेन लो प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट एंड पेमेंट ऑफ हाई वेजेस, अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड कॉपरेटिव रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि हमें बेसिकली जो इम्प्लॉयज सॉरी इम्प्लॉयर्स जो होते हैं कंपनी का मेन मोटिव ये होता है कि कम से कम खर्च में अच्छे प्रोडक्ट बने और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने। तो यहाँ पर वो कहाँ फोकस करते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको कम पेमेंट दिया जाए। लेकिन फ्रेडरिक टेलर का ये मानना था कि प्रोडक्शन कॉस्ट लो रखी जाए, किसी चीज़ को बनाने में जितना प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो हो, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको हाई वेजेस मिले, ज़्यादा पैसे मिले। और ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब हम साइंटिफिकली तरीका अपना करके कोई काम करें तो रिसर्च करनी चाहिए सबसे पहले, फिर जो वर्किंग कंडीशन है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाना चाहिए, ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए और वर्कर एंड मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, कोऑपरेटिव रिलेशंस होने चाहिए। थर्ड बुक थी द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। आर्ट ऑफ कटिंग मेटल ये उनका सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है उनका। सो द पेपर बेसिकली बेस्ड ऑन मोस्ट एग्जॉस्टिव सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, नियरली 30,000 एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किए थे, बहुत पैसे खर्च हुए थे इस पर और बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। सो दिस अचीवमेंट आर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन टेलर्स अदर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 3 हमने पढ़ लिए, पीस रेट सिस्टम, बेसिकली वेज एडमिनिस्ट्रेशन, शॉप मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आर्ट ऑफ कटिंग मेटल कि जो टूल हम यूज करते हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है या नए टूल को किस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है। फिर बात करते हैं एक फिनोमिना इन्होंने नोट किया था शोजरिंग का या स्किविंग, ये क्या होता है। बेसिकली उनका ये मानना था, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वर्कर्स जो हैं
वो पर्पजली अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं। टेलर ऑब्जर्व अ फिनोमिना ऑफ वर्कर पर्पजली ऑपरेटिंग बिलो देयर कैपेसिटी। ही नोटिस्ड दिस एंड एट्रीब्यूटेड थ्री रीजन फॉर दिस। तीन रीजन दिए उन्होंने। पहला ये कि वर्कर डेलिबरेटली डू एज लिटिल एज वन कैन सेफली ड्यू टू बिलीव दैट इफ दे बिकेम मोर प्रोडक्टिव सम ऑफ देम वुड बिकेम सरप्लस एंड वुड बी एलिमिनेटेड। उनका ये मानना था वर्कर्स का कि अगर वो ज्यादा काम करने लग जाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उनमें से कुछ जो उनके सहकर्मी हैं जो वर्कर्स हैं वो सरप्लस हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे और उनको निकाल दिया जाएगा। सेकेंड, द नॉन इंसेंटिव वेज सिस्टम एनक्रीज लो प्रोडक्टिविटी। कम पैसे देते हैं इसी वजह से लो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी भी लो रहती है। हायर पेस में बिकेम द स्टैंडर्ड एंड एम्प्लॉयज फियर दैट देयर वेज मेक ए कम डाउन। कि अगर उन्होंने ज्यादा काम किया तो वो उनके लिए स्टैंडर्ड बन जाएगा और फिर उनकी तनख्वाह जो है वो कम हो जाएगी। वेस्ट ऑफ टाइम बाई रिलाइंग ऑन रूल ऑफ थम एंड अनसाइंटिफिक मेथड एंड प्रैक्टिसेस। थर्ड रीजन कि रूल ऑफ थम पे ज्यादा बिलीव करते हैं, अनसाइंटिफिक मेथड होते हैं उनको, तो उसकी वजह से टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। सो टू काउंटर द प्रैक्टिस ऑफ शोल्डरिंग एंड टू इम्प्रूव एफिशियंसी ही अंडरटूक एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर सर्टेन जॉब्स एंड व्हाट वाज नेसेसरी टू अचीव दिस परफॉर्मेंस। उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए ताकि उनको पता चल सके कि बेस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होती क्या है और उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है। ये तो था शोल्डरिंग फिनोमिना। फर्दर देखते हैं कि टेलर ऑन डेफिशिएंसीज ऑफ प्रिवेलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर टेलर को क्या कमी नजर आती थी कि उन्होंने फर्दर रिसर्च करने की सोची। तो मैनेजमेंट हैड नो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट को कोई समझ ही नहीं है कि वर्कर और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती क्या है। लेक ऑफ इफेक्टिव स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, लेक ऑफ जॉब क्लैरिटी विच प्रमोट्स शोल्डरिंग ऑफ वर्क, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट बिकॉज ऑफ शोल्डरिंग, फेलियर ऑफ मैनेजमेंट टू ऑफर प्रॉपर इंसेंटिव टू वर्कर टू ओवरकम द शोल्डरिंग, मोस्ट डिसीजंस बाय मैनेजमेंट वर अनसाइंटिफिक, लेक ऑफ प्रॉपर स्टडीज अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क अमंग डिपार्टमेंट्स, एंड द लास्ट वन इज प्लेसमेंट ऑफ वर्कर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर एबिलिटी एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। तो इनका कंक्लूजन ये है कि डेफिशिएंसी क्या थी कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई थी, कहीं ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी साइंटिफिक टूल डेवलप नहीं हुआ है, और शोल्डरिंग का फिनोमिना सॉर्ट आउट करने के लिए, उस फिनोमिना को दूर करने के लिए मैनेजमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है और किस तरीके से डेवलप हुई? तो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट ये जो टर्म है ये टेलर के द्वारा इनिशिएट, टेलर के द्वारा कॉइन नहीं की गई है, ये टर्म कॉइन की गई है लुइस ब्रैंडिस के द्वारा। टेलर ने शुरुआत में इस टर्म को अपोज किया। उनका ये मानना था कि बहुत ज्यादा एकेडमिक साउंड होती है, बट लेटर ही यूज्ड इट एज द टाइटल ऑफ मोनोग्राफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अपने एस्से का या अपने पेपर का उन्होंने टाइटल भी ये रखा था, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग वट यू वॉन्ट योर मैन टू डू एंड देन सी दैट दे डू इट इन मोस्ट एफिशियंट मैनर। मतलब आपको पता हो कि आप अपने आदमियों से क्या काम कराना चाहते हो और फिर ये साबित करना या ये सुनिश्चित करना कि क्या वो सही तरीके से वो काम कर रहे हैं, मोस्ट एफिशियंट मैनर में वो काम कर रहे हैं या नहीं। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। नाउ कम व्हाई देर इज अ नीड टू डेवलप साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने की क्यों जरूरत महसूस हुई? एक तो ये चीज कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तब तक अमेरिका में शुरू हो चुके थे, एक तरीके से रिवोल्यूशन आ चुकी थी। तो ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी न्यू इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बिगेन टू डिसेंड अपॉन अमेरिकन बिजनेस, गिविंग राइज टू द ग्रोथ ऑफ मैनेजरियल क्लास। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बिगेन टू चेंज फ्रॉम डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू ए मोर ऑल इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म अप्रोच टू ग्रैपल विद एमर्जिंग मैनेजेरियल प्रॉब्लम। बेसिकली नई तरीके की इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही थी, नया इंडस्ट्रियल क्लाइमेट उभर के आ रहा था, नई नई प्रॉब्लम्स भी उभर के आ रही थी। अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी वो डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग की होती थी, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स उनके सामने हैं वो इंक्लूसिव हैं, कॉम्प्रिहेंसिव है, उनको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच की जरूरत है। तो यहाँ पर मैनेजेरियल प्रॉब्लम जो उभर के आ रही थी उनसे डील करने के लिए जरूरत है, तब उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने की नीड फील हुई। नाउ टेलर्स कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है उनके लिए? अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट इज ए ट्रू साइंस रेस्टिंग अपॉन क्लियरली डिफाइंड लॉ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। एक ट्रू साइंस है। ट्रू साइंस मतलब फिक्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कंप्लीटली बेस्ड है ये लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर, रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स के ऊपर।
सेम प्रिंसिपल कुड बी अप्लाइड विद इक्वल फोर्स टू ऑल सोशल एक्टिविटी. मैनेजमेंट चाहे वो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का हो, चाहे वो एक स्कूल का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो किसी भी सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड क्यों ना हो, हर जगह सेम प्रिंसिपल्स हम अप्लाई कर सकते हैं. द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू सिक्योर द मैक्सिमम प्रोस्पैरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कपल्ड विद मैक्सिमम प्रोस्पैरिटी फॉर ईच एम्प्लॉय. मतलब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि सबके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पैरिटी मिल होगी, सबसे ज्यादा फायदा जो है अगर किसी को होगा तो वो दोनों को होगा, एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी. साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड टू मैनेजरियल प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. इट फोकस्ड ऑन द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टेलर का जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है मेनली ये फोकस्ड रहता है लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, शॉप फ्लोर पे. और यही आगे जब हम इनके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तब यही जो चीज है ये इनके क्रिटिसिज्म के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं कि इन्होंने हायर लेवल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लोअर लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के लोवेस्ट लेवल पे ध्यान दिया. टेलर बिलीव दैट ऑल वर्क प्रोसेस कुड बी सेपरेटेड इन टू यूनिट्स एंड एफिशियंसी ऑफ ईच यूनिट कुड बी टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक. दिस टेक्निक कुड बी एक्सटेंडेड अपवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट बिकम रैशनल एंड एफिशियंट. मतलब काम को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए और यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा एफिशियंट और इफेक्टिव बनाने के लिए साइंटिफिक टेक्निक का यूज किया जाए. नाउ व्हाट इज टेलर्स अजम्पशन. टेलर का जो फाइनल कंक्लूजन हमने पढ़ा वो ये था कि देर इज अ वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरी जॉब. हर काम को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है. मैनेजमेंट रोल इज टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ वर्क. मैनेजमेंट का काम क्या है, उस तरीके को ढूंढना और उसके लिए स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना कि इस तरीके से ये काम होगा. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग कैन बी इम्प्रूव बाई अडोप्टिंग साइंटिफिक मैथड. हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिक मैथड्स के द्वारा. अ गुड वर्कर इज वन हु डज नॉट इनिशिएट एक्शन बट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ मैनेजमेंट. एक अच्छा वर्कर वो जो अपने मैनेजमेंट के लिए काम करे, जो मैनेजमेंट कहे उनके ऑर्डर को फॉलो करे. एवरी वर्कर इज एन इकोनॉमिक मैन, दैट इज ही इज मोटिवेटेड बाई मोनिटरी फैक्टर. हर कोई इकोनॉमिक मैन है, मतलब हर कोई पैसे के लिए काम करता है, तो उसको मॉनेटरी फैक्टर मतलब मनी के द्वारा उसको मोटिवेशन मिल सकती है या मनी के द्वारा ही उनको मोटिवेशन मिलती है. ये चीज भी उनके क्रिटिसिज्म में आती है कि इंसान की सिर्फ पैसे की ही नीड्स नहीं होती, मॉनेटरी फैक्टर एक लिमिट के बाद उसको मोटिवेट करना बंद कर देता है या जो भी है. क्रिटिसिज्म के अंदर ये हम टॉपिक यूज कर सकते हैं. नाउ मेन चीज आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है. चार प्रिंसिपल हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, चारों देखते हैं डिटेल में थोड़ा. सॉरी, फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क. ट्रू साइंस का मतलब क्या होता है कि कहीं कोई फिक्शन की गुंजाइश नहीं है. जो कुछ है, जो काम हम कर रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं हम उनके लिए उनकी तरह काम कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हमें बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस ऑफ वर्क में क्या है कि डेवलपिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब. इफ इट इज नोन एज वट कॉन्स्टिट्यूट अ फेयर डेज वर्क, द वर्कर इज सेव्ड फ्रॉम द अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द बॉस एंड इनेबल्स द मैनेजमेंट टू गेट द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम वर्कर. हमें पता हो कि एक दिन में एक वर्कर मैक्सिमम इतना काम कर सकता है, तो जब वो इतना काम कर लेगा तो उसको बॉस की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी और मैनेजमेंट भी अपना जो काम है वो अच्छे से वर्कर से करवा सकती है. दिस नीड्स अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ लार्ज डेली टास्क अंडर ऑप्टिमम कंडीशन. तो पता होना चाहिए कि एक फैक्ट्री के अंदर एक दिन में एक मजदूर या एक वर्कर कितना काम कर सकता है मैक्सिमम, उसी कंडीशन वैसी कंडीशन डेवलप की जाए और उसके अंदर ये चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके फिर वर्क स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाए. सॉरी, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन. वर्कर्स को साइंटिफिकली सिलेक्ट किया जाए और उनकी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी हो. टू इंश्योर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ साइंटिफिकली डेवलप्ड वर्क, देयर इज नीड टू सिलेक्ट द वर्कर ऑन साइंटिफिक बेसिस. It is the duty of management to study the character, nature and performance of each worker with a view to finding out his limitation and possibility of development. मतलब हर वर्कर के character, nature और performance को ध्यान में रख करके देखा जाना चाहिए कि कहाँ तक हम इसको ज्यादा मतलब development की क्या क्या possibilities हैं और क्या क्या कमियां हैं, limitations क्या हैं. Scientific selection का मतलब होता है कि selecting a right person for a right job. So दो चीजें हमने पढ़ ली कि ट्रू साइंस को डेवलप करना और साइंटिफिकली वर्कर्स को सेलेक्ट करना. थर्ड क्या है, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सेलेक्टेड वर्कर. अब वो दोनों चीजों को इकट्ठा लाना, अपने साइंस ऑफ वर्क को भी और साइंटिफिकली सेलेक्टेड वर्कर्स को भी.
टेलर सेज यू मे डेवलप ऑल द साइंस दैट यू प्लीज एंड यू मे साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड ट्रेन वर्कमैन जस्ट एज मच यू प्लीज बट अनलेस समवन ब्रिंग्स द साइंस एंड वर्कमैन टुगेदर ऑल योर लेबर विल बी लॉस्ट. मतलब आप ट्रू साइंस को डेवलप कर सकते हैं, आप साइंटिफिकली वर्कर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने लेबर्स और अपने जो रोल्स हैं उनको एक साथ लेकर के नहीं लाएंगे तब तक आपकी सारी मेहनत बेकार है. टू इनेबल द वर्कर टू डू हिज जॉब एंड इंश्योर दैट ही मे नॉट स्लिप बैक टू द अर्लियर मेथड ऑफ डूइंग वर्क देयर मस्ट बी समबडी टू इंस्पायर द वर्कर. टेलर फेल्ट दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं कि आपने एक बार तो वो चीज़ कर दी, आप वर्कर्स को कोई नया तरीका सिखा दिया, लेकिन फिर से वो अपने पुराने तरीके पर ना चला जाए, पुराने तरीके पर ना चले जाएं. इसीलिए ज़रूरी है कि उनको इंस्पायर करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और ये इंस्पिरेशन का जो काम है वो कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगी. ही बिलीव दैट वर्कर्स आर ऑलवेज विलिंग टू कॉपरेट विद द मैनेजमेंट बट देर इज ऑलवेज अपोजिशन फ्रॉम द साइड ऑफ मैनेजमेंट. उनका मानना था कि वर्कर्स हमेशा मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार रहते हैं बट अपोजिशन हमेशा मैनेजमेंट की तरफ से आता है. He maintained that this process of bringing together caused the mental revolution. Mental revolution जरूरी है. Mental revolution का मतलब इनके दोनों के attitude में change आना जरूरी है. Mental revolution हम आगे further detail में देखेंगे topic. Fourth है division of work and responsibility between worker and management. Traditionally unequal distribution of responsibilities. Worker have more responsibility than management. Taylor emphasized on equal responsibility between वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. तो अभी तक हमने जो चार प्रिंसिपल देखे वो क्या थे कि पहले रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ वर्क हमें पता होने चाहिए, सेकंड स्टेप में साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर्स हों, थर्ड स्टेप में साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर्स और आपके जो साइंटिफिकली रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको एक साथ लेकर के आओ, और फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है वर्कर्स और मैनेजमेंट के अंदर काम को अच्छे से डिवाइड करो. सो बेसिकली समरी ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है, दैट इट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थम. ट्रेडिशनली जो आप करते आ रहे हो वही नहीं, जो आप काम कर रहे हो उसके पीछे साइंस होनी चाहिए. हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हारमनी कि दोनों जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं उनका मोटिव एक ही है, मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करना, डिस्कॉर्ड नहीं. कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि पूरे सब मिल करके काम करें, हर कोई अपने फायदे के लिए काम ना करें. मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. Development of each man to his great, sorry for this spelling mistake, mean नहीं, man आएगा यहाँ पर, to his greatest efficiency and prosperity. हर एक man अपनी efficiency और अपनी prosperity के लिए काम करता है, तो उसी चीज़ को develop करने में management को मदद करनी चाहिए. So these are the four principles that we have studied. इनकी summary है ये जितने भी हमने principles पढ़े हैं. Further move करते हैं. Mental evolution हमने पढ़ा था कि मेंटल रिवोल्यूशन की उनको वर्कर्स को और मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि उनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो, एफिशिएंटली वर्क करे और इफेक्टिवली वर्क करे. सो टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर अ ग्रेट रिवोल्यूशन दैट टेक प्लेस इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द वर्कर. सॉरी, instead of focusing on division of surplus they should together turn their attention toward increasing the size of surplus became so large that it becomes unnecessary to call over how it should be divided. ki jitna aapka benefit ho raha hai usi profit ko divide kis tarike se kiya jaye is baat pe ladne ke bajaye unko profit ko badhane ki koshish karni chahiye taki division of profit or division of surplus ye koi maayne hi na rakhe. It demands the realization of the fact that their mutual interests are not antagonistic and mutual prosperity is possible only through mutual cooperation. Taylor believed that there is no conflict in the interest of employees, workers and consumer. His major concern was the result of higher productivity should equally benefit all, employer, worker and consumer. Agar higher productivity hai to wo tino ke liye beneficial honi chahiye, employer ke liye bhi, worker ke liye bhi, consumer ke liye bhi. एक और है उनका टॉपिक का हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप. फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है, इसके अंदर इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क थोड़ा एक्सप्लेन किया है, वो देखते हैं. टेलर इज क्रिटिकल ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच वर्कर इज सबऑर्डिनेटेड टू ओनली वन बॉस. मतलब हर वर्कर अपने एक बॉस के लिए काम करता है, उस चीज के खिलाफ थे ये, और इसी सिस्टम को उन्होंने रिप्लेस किया फंक्शनल फॉरमैनशिप से. इसके अंदर क्या होता है कि वर्कर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 8 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर. अपने 8 सुपरवाइजर से वो ऑर्डर लेता है. ही डिवाइडेड वर्क नॉट ओनली अमंग द वर्कर बट आल्सो एट द सुपरवाइजरी लेवल. चार फंक्शनल
सॉरी 8 जो फंक्शनल बॉसेस होते हैं उसमें से 4 प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और 4 उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो प्लानिंग बॉसेस कौन कौन प्लानिंग बॉसेस कौन कौन से हैं? द ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनेरियन। 4 प्लानिंग बॉसेस हैं। फंक्शनल एग्जीक्यूशन बॉसेस कौन कौन से हैं? गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो फोरमैन शिप हमने देख ली, फंक्शनल फोरमैनशिप, की 8 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर से वर्कर को ऑर्डर मिलने चाहिए। टेलर ने यहाँ पर 9 क्वालिटीज बताई हैं दैट विल मेक गुड फोरमैन। व्हाट आर द 9 क्वालिटीज? एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज, मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड स्ट्रेंथ, टैक्ट, एनर्जी, ग्रिट, ऑनेस्टी, जजमेंट एंड गुड हेल्थ। हमने उनके पूरे कंसेप्ट को पढ़ लिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट उसका क्या कंसेप्ट था, किस तरीके से डेवलप हुआ, क्या प्रिंसिपल्स रहे, ठीक है, मेंटल इवोल्यूशन क्या है, चिल्ड्रिंग का फिनोमिना क्या है, फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है। नाउ हम पढ़ते हैं टेलर्स फॉलोवर। तो इसमें तकरीबन 3 है मेन, मॉरिस एलकॉक, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ एंड हेनरियल गेन। तो यहाँ पर आप इनको डिटेल में देख सकते हो, मैंने स्लाइड्स ऐड कर दी है, यू कैन रीड अबाउट इट। बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। ऑलिवर शेल्डन, एमपी फॉलेट, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर एंड अदर क्रिटिसाइज टेलर्स आइडिया। क्या क्या क्रिटिसिज्म थे? पहला था प्रो कैपिटलिस्ट थ्योरी। प्रो कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है ये। इट एमर्ज्ड एट अ टाइम व्हेन कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हैड रीच्ड द स्टेज ऑफ रिक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। पार्शियल थ्योरी फोकस ऑन शॉप फ्लोर, नेग्लेक्टेड हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैकेनिस्टिक थ्योरी अंडरमाइंड ह्यूमन एस्पेक्ट, ट्रीटेड वर्कर एज ए मशीन। डीह्यूमनाइजिंग थ्योरी कि इंसान सिर्फ मनी से मोटिवेट होता है, बाकी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर से नहीं, ये डीह्यूमनाइजिंग थ्योरी है। अपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का ये मानना था, ट्रेड यूनियन वर अगेंस्ट द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीमियम बोनस सिस्टम। दे कंसिडर्ड दैट टेलरिज्म इज एज नॉट ओनली डिस्ट्रॉइंग ट्रेड यूनियनिज्म बट ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब ट्रेड यूनियन का मेन मोटिव क्या था कि वो इकट्ठे होकर के मैनेजमेंट से बार्गेन कर सकते हैं, तो टेलरिज्म ने वो चीज खत्म कर दी। फर्दर अपोजिशन बाय मैनेजर, हमने पढ़ा था कि मैनेजर पहले कम काम करते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी, वर्कर्स की ज्यादा थी, और अब क्या मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली दे विल अपोज। सो दोज हु वांटेड क्विक प्रमोशन टू हाई मैनेजरियल पोजीशन विदाउट एनी मेरिट बेस्ड ऑन हायर एजुकेशन अपोज्ड टेलर स्टैंड विच एडवोकेटेड ट्रेनिंग बाई हाईली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स। ऑल्सो देयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज अंडर टेलरिज्म। सेवन था लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी ऑफ वर्क। काम ही समझ में नहीं आता। फर्स्ट द वर्कर गेट डीपर्सनलाइज्ड एंड द वर्कर बिकेम ए मेयर कॉग इन द मशीन। मतलब मशीन का एक हिस्सा बन करके रह जाता है। द वर्कर लैक्स द सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द वर्क। सेकेंडली टेलरिज्म मे लीड टू ऑटोमेशन ऑफ वर्कर विच मे हैव साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। थर्डली टेलर्स डिविजन ऑफ वर्क हैज सिवियरली बीन क्रिटिसाइज्ड। मतलब मशीन में और वर्कर में कोई फर्क ही नहीं रहा, इस चीज का ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप, इट विल लीड टू कंफ्यूजन व्हेन ईच वर्कर कैप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ 8 सुपरवाइजर। ए वर्कर मे नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई 8 सुपरवाइजर इन ऑल एस्पेक्ट। शायद वो 8 सुपरवाइजर को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा हर तरीके से। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी है, देखते हैं। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट टेलर हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल फॉर अब्यूज ऑफ हिज मेथड। उनको खुद को पता था कि आपके जो तरीके हैं उनका गलत यूज हो सकता है। सम आर्ग्यू दैट करंट लिटरेचर प्रेजेंट अ पार्शियल व्यू ऑफ टेलर्स वर्क। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो प्रेजेंटली जो लिटरेचर है वो टेलर के काम को पार्शियली शो करती है, पार्शियल आधा अधूरा व्यू है इनके पास। ही एंटिसिपेटेड सेवरल की मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज जनरली एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। उन्होंने काफी सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई थी जो मोटिवेट करती हैं, यानी कि उनको हम ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएटेड सेंस ऑफ मिशन, इंक्रीज्ड टू वे कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड दैट हायर नीड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज अगेंस्ट इकोनॉमिक मैन अप्रोच, यूज एस्टीम एज ए मोटिवेटर, गिव वर्कर ए चांस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो दीज आर मोटिवेशनल की स्ट्रेटेजीज दैट वी कैन एक्चुअली रिलेट विद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। इट इज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट हिज राइटिंग शो दैट ही यूज मैनेजर टू रियलाइज दैट टैलेंट
Technical success require enhanced human relation, and to get an accurate sense of Taylor's message, one has to read his own account. टेलर के मैसेज को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके अकाउंट को खुद पढ़ें, या फिर क्योंकि जितनी भी राइटिंग्स है दे विल शो द पार्शियल व्यू. सो दीज आर दीज ऑल आर द पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. एक नया टॉपिक है न्यू टेलरिज्म, वो क्या है. अकॉर्डिंग टू दिस द मेजर रीजन फॉर डिसफंक्शनलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहा. पहला तो ये है हाई कॉस्ट ऑफ सब्सिडाइजिंग द पब्लिक सर्विस. सेकेंड है लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर गियर टू रूटीन एंड मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन अडॉप्ट टू डायनामिक ऑफ रैपिड सोशल चेंज. मतलब जो डेली काम हो रहा है वही करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, सोशल चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे. द टॉप डाउन मैनेजमेंट स्टाइल हैज बीन कॉल्ड टेलरिज्म, कि ऊपर बैठ करके पॉलिसीज डिजाइन करेंगे और वही फिर टॉप डाउन मैनेजमेंट की बात होती है टेलरिज्म में. वे आर मैनेजमेंट ड्राइव वर्कर्स टू मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड अपर मैनेजमेंट प्रोवाइड डिसीजन विद लिटिल इनपुट्स. टेलरिज्म इज एम्बेडेड इन अवर मॉडर्न कल्चर. क्रिटिक्स आर नाउ रेफरिंग टू दिस कल्चर एज न्यू टेलरिज्म. नई मॉडर्न कल्चर के अंदर अगर हम टेलरिज्म को देखें तो वो न्यू टेलरिज्म है. रेलेवेंस ऑफ टेलरिज्म, टेलर ने जो बातें बताई थी उनका रेलेवेंस क्या है. एक चीज तो ये कि इनकी जो पब्लिकेशन थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई है, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूएसए हो, और इवन इंडिया में भी ये फॉलो किए जाते हैं. तो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमी इनके प्रिंसिपल्स, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनका फॉलो किया जाता है. तो इट शोज इट्स इंपॉर्टेंस एंड रेलिवेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, मैनेजर कुड मॉनिटर एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड पे द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग परफॉर्मेंस. मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को देख करके उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको पे कर सकता है. मैनेजर शुड केयरफुली सेलेक्ट वर्कर एंड डेवलप देयर स्किल्स. मैनेजर को अपने वर्कर को सेलेक्ट करने के लिए और उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि वो टेलर की प्रिंसिपल्स को एक बार जरूर ध्यान में रखें. मैनेजर शुड हैव साइंटिफिक रिसर्च टू एवरी मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड रिप्लेस द ओल्ड वन. ये था रेलेवेंस क्वेश्चन, हमने पढ़ लिया कंप्लीट फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में. उनके चार बुक थी, पीस रेट सिस्टम, वेज एडमिनिस्ट्रेशन भी बेस्ड थी, शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग टूल एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा, मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स क्या क्या हैं. उसके बाद हमने शोल्जरिंग का फिनोमिना पढ़ा, चार प्रिंसिपल्स थे वो पढ़े कि ट्रू साइंस को डेवलप करना, अपने वर्कर्स को साइंटिफिकली सेलेक्ट करना, फिर वर्कर्स को और साइंस को एक साथ लेकर के आना, और फिर मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के अंदर इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना. उसके बाद हमने मेंटल इवोल्यूशन देखा, फंक्शनल फॉरमैनशिप के बारे में पढ़ा, फिर टेलर की क्रिटिक्स के बारे में, उनके फॉलोअर्स के बारे में पढ़ा, एंड फर्दर हमने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और उनका जो रेलेवेंस है आज के दिन वो पढ़ा. नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये दोनों आ चुके हैं मीन्स एग्जाम के उसके अंदर, ऑप्शनल के एग्जाम के अंदर, एक 2016 के अंदर आया हुआ शायद. सो टेलरिज्म इज कंसिडर्ड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी. बहुत फेमस है बट इट्स स्टिल कॉन्ट्रोवर्शियल. स्टीफन पी वेरिंग के द्वारा स्टेटमेंट है, इस पर आपको ने कमेंट करना है. टेलर्स आइडिया नीड्स मॉडिफिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज इन कंटेम्प्रेरी एरा, जस्टिफाई विद रीजन. मतलब टेलर के आइडिया को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की जरूरत है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा. यू हैव टू जस्टिफाई दिस विद रीजंस. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक विल बी हेनरी फायोल. हेनरी फायोल